दिन के 12 घंटे काम करने के बाद जब घर को छुओ तो सबसे पहला शब्द निकलता है चाय। ऑब्वियसली चाय प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है चाय के साथ जाने वाले नमकीन, बिस्कुट, चिप्स और न जाने क्या क्या, और इसे ही कहते हैं क्रेविंग्स। हमारा दिमाग मिठाई और फास्ट फूड की क्रेविंग्स के लिए हार्ड वायर्ड है। हमें लगता है कि क्रेविंग्स पर हमारा बस नहीं चलता, पर असल में ऐसा है नहीं। ज्यादातर लोग इन तीन तरह के दलदल में बार बार फिसल जाते हैं, जो हमारे दिमाग को बिना किसी दया के फास्ट फूड और मिठाई के लिए क्रेव करने पर मजबूर कर देते हैं। इसलिए मैंने इन तीनों फिसलन भरी दलदल को कन्वर्ट कर दिया है क्रेविंग्स के रक्षक स्तोत्र में, जो समय के साथ और भी शक्तिशाली होते चले गए। इतना कि अब मेरा दिमाग शायद ही कभी मिठाई और फास्ट फूड के लिए गिड़गिड़ाता हो। अब अपने भीतर के जेम्स बॉन्ड को जगाइए और इस स्टोरी में वो तीन फिसलन भरी दलदल ढूंढ के निकालिए। इट्स डिटेक्टिव टाइम। जब मैं वेट लॉस कर रहा था, सुबह उठते ही जल्दी जल्दी तैयार होकर काम के लिए निकलता था, तब जाने से पहले एक चाय पिया करता था, क्योंकि दिन की शुरुआत तो चाय के बिना कैसे हो सकती है। लेकिन सरप्राइजिंगली 10-11 बजे के बीच भूख हुंकार मारने लगती थी तो एक और चाय हो जाती थी, ऑब्वियसली दुकान से। 2 से 4 के बीच तक भूख एक विशाल दानों का स्वरूप ले लेता है। अब समय था कुछ ठोस खाने का, इसीलिए कैफेटेरिया में दाल चावल से, लेकिन किसी किसी दिन कुछ स्पेशल खाने का मन कर जाता था। क्योंकि मैं डाइट पे था तो वीक में 4 दिन दाल चावल और 1-2 दिन ही स्पेशल्स ले रहा था। लंच और डिनर के बीच में फिर से भूख क्यों? इसलिए 5 बजे वाली चाय, और इस बार रस्क के साथ, 2 से ज्यादा नहीं, ताकि वेट ना बढ़े। अब फाइनली डिनर। अब कम खाना होगा, नहीं तो वेट बढ़ जाएगा, तो सिर्फ 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी खाकर पेट भर लेंगे। लेकिन खाना खाने के बाद कुछ मीठा होना चाहिए ना, बट क्योंकि वेट लॉस चल रहा है तो कोई मीठा वीठा नहीं। लेकिन कितना अच्छा लगता ना अगर एक लड्डू या रसगुल्ला या काजू कतली होती, बट नोप। कई महीने बाद डिनर के बाद लड्डू मेरी डाइट का पार्ट बन चुका था। शुरू में सिर्फ 1 लड्डू था, बट धीरे धीरे 2 और किसी दिन तो 3-4। ओहो, मैं पूरे दिन बचा बचा के खा रहा था, लेकिन रात में लड्डू का लालच सब कुछ चौपट कर दे रहा था। अगर मैं घटा भी देता कि चलो एक ही खाऊंगा, तब कोई ना कोई त्योहार आ जाता, कभी होली, कभी भाई दूज, और रात में मिठाई के जाल में फंस जाना 100% एक फिसलन भरी दलदल है। बट ये सबसे लास्ट दलदल थी जिसमें फिसलना तय होता अगर शुरू की दोनों फिसलन को नहीं पकड़ पाते। क्या आप बाकी की 2 फिसलन भरी दलदल को ढूंढ पाए? अगर आपका गैस है कि डाइट में खाना सही नहीं था, या एक्सरसाइज नहीं थी, या इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो आपका गैस बिल्कुल गलत है। सबसे पहली फिसलन है इम्प्रॉपर फ्यूलिंग। अच्छे से ना खाने से भूख पूरे दिन धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है और दिन के अंत तक विशाल दानों का स्वरूप ले लेती है। सोचिए, क्रेविंग्स एक हाथी की तरह है और भूख एक महावत की तरह है जो हाथी की सवारी करता है। हाथी को कंट्रोल करना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर महावत के साथ भी अच्छे संबंध नहीं हो तो ये दोनों मिलके आपकी दुनिया उजाड़ सकते हैं। इसलिए महावत से अच्छे संबंध बनाने के लिए हमने 2 रक्षक स्तोत्रम का यूज किया। आपको याद होगा कि दिन में मैं कितनी बार चाय पी रहा था लंच से पहले? 2 बार। स्टडीज दिखाती है कि बॉडी पानी की कमी के साइंस जो देती है वो भूख लगी हो ऐसा फील करवा सकती है। हाउएवर, प्यास के इंडिकेशंस तब तक नहीं मिलते जब तक हम सीवियर डिहाइड्रेशन तक न पहुंच जाए। तो जब लंच से पहले जो मुझे बार बार भूख लग रही थी वो एक्चुअली में प्यास थी, और चाय पानी जितना हेल्पफुल नहीं हो सकता। इसलिए जैसे ही मैंने चाय के बदले पानी पीना शुरू किया, मेरी क्रेविंग्स में ड्रास्टिक फर्क आ गया। लेकिन फिर मील्स के बीच में भूख लगना बंद नहीं हुआ, खास करके सांझ की चाय। आय हाय, ढलते गोल्डन सूरज के साथ वो कड़क चाय और साथ में रस्क कर रही थी मेरे स्वास्थ्य को ध्वस्त। और रिसर्च से पता चला कि लोग कसम खा के कह रहे थे उनकी पेलियो डाइट से। पेलियो डाइट एक मांसाहारी डाइट है और मैंने नॉन वेज खाना एकदम कम कर दिया था, तो ऑब्वियसली ये डाइट मैं नहीं करने वाला था। एनीवेज, इससे फायदा ये हुआ कि मैंने अपनी डाइट में 1 मुट्ठी प्रोटीन ऐड कर दिया दोनों लंच और डिनर में। सिर्फ इन 2 रक्षा स्तोत्रम से मेरी लड्डू की क्रेविंग्स कम्प्लीटली चेंज हो गई। न सिर्फ वीक में हर दिन के बदले 1-2 दिन ही लड्डू खाने का मन होता था, बल्कि 1 लड्डू से ज्यादा खाने का कभी मन हुआ ही नहीं। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि रक्षक स्तोत्रम लगाने से महावत से हमारा संबंध अच्छा हुआ, और उससे हम हाथी एक एक क्रेविंग्स पे कुछ काबू कर पाए।
और मैंने कई दिन तक कई किलो वजन घटाए जब तक कि वेट लॉस कम्प्लीटली रुक नहीं गया। अब अगर और भी वेट लॉस चाहिए तो ज़रूरत थी कि रात के लड्डू को 1-2 से घटा कर जीरो करना पड़ेगा। मतलब समय था अब हाथी पे काबू पाने का, जो लाती है हमें दूसरे फिसलन पे, टेमिंग द एलिफेंट। अगर आपने कोई हैबिट बिल्डर बुक पढ़ी हो तो आप जानते होंगे कि आदत बनती कैसे है। सबसे पहले आता है ट्रिगर, जैसे कि स्ट्रेस, और स्ट्रेस जन्म देता है क्रेविंग्स को, जैसे कि यार बड़ा दिमाग खराब हो रहा है, आज अगर मोमोज खाएंगे तब कुछ अच्छा लगेगा। फिर आप रिएक्ट करते हुए खाते हैं मोमोज, और फिर मिलता है स्वीट सेटिस्फेक्शन, स्ट्रेस रिलीफ, और दिवाली के पटाखे फूटने लगते हैं आपकी बॉडी के अंदर। क्रेविंग्स रूपी हाथी बिल्कुल पागल कब हो जाता है? स्ट्रेस और रिएक्शन के बीच का जो समय होता है वहाँ। अब हैबिट बिल्डर किताबें क्रेविंग से बचने का सबसे बेस्ट तरीका दिखाती हैं, मेक इट डिफिकल्ट। तो एक तरीका था कि मैं मिठाई, बिस्कुट, चॉकलेट, आइसक्रीम खरीदूं ही ना, पर मेरे घर में बच्चे भी हैं। फिर भी मैं बच्चों को कभी कभी आइस कैंडी के लालच से मना पाया, जिससे मेरा वेट लॉस प्रोग्रेस चलता रहा, जब तक कि 1.5 महीने बाद एक पार्टी में जैसे ही गुलाब जामुन मिला, मैं सारी शर्म को भूल कर उस पर टूट पड़ा। 7-8 गुलाब जामुन खाने के बाद जब और लेने गया तो गुलाब जामुन खत्म हो गए। जब तक काउंटर रिफिल होता तब तक अच्छी खासी देर हो गई थी। तब कुछ बहुत ही जादुई एक्सपीरियंस हुआ, मेरा और गुलाब जामुन खाने का मन मर चुका था। वियर्ड, इसने मुझे हिला कर रख दिया। अचानक से क्या बदल गया था? एक्चुअली मेरे बिना पता चले ही यहाँ पर 2 रक्षक स्तोत्रम को एक्टिवेट कर चुका था। पहला ये कि मुझे फुल परमिशन थी कि जो खाना हो, जितना खाना हो खाओ, उन दिनों की तरह नहीं जब मिठाई खाने का मन है फिर भी खरीद नहीं रहे। और दूसरा रक्षा स्तोत्रम था टाइम स्ट्रेच। स्ट्रेस और रिएक्शन के बीच इतना समय मिल गया कि हाथी अपने आप ही शांत हो गया। तो इन दोनों रक्षा स्तोत्रम का इस्तेमाल मैंने शुरू कर दिया। मैंने एक नियम बना लिया कि मुझे कभी भी क्रेविंग्स हो मैं उसे खा सकता हूँ सिर्फ 2 ही शर्त पर। सबसे पहले तो मैं सिर्फ संडे को ही खा सकता हूँ, जिससे बाकी दिन मुझे बार बार उसके विचार ही ना आए। और दूसरा ये कि संडे के अलावा क्रेविंग्स को भी खा सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे 30 मिनट्स वेट करना होगा। ये दोनों करते ही मेरा वेट लॉस फिर से आगे बढ़ने लग गया, और 2 महीने बाद वेट लॉस फिर से बंद हो गया। क्योंकि अकेले संडे की क्रेविंग्स वो हवन कर रहे थे, वो काफी था मुझे अपने ट्रैक से उठाकर फेंकने के लिए। और यही तीसरा और सबसे ज्यादा फिसलन वाला दलदल था, वीकेंड्स। तो समय आ गया था कि अब क्रेविंग्स से सीधे टक्कर ली जाए। इसके लिए मैंने अपने कॉलीग्स को ऑब्जर्व किया जो फिट थे। जैसे मुझे स्ट्रेस होने पर क्रेविंग्स होती थी, वैसे मेरे कलीग्स को नहीं होती थी। मुझे ये जानना था कि खाने से इनका संबंध कैसा है। जैसे कि मैं खाने को रिलीफ, प्लेजर या सेलिब्रेशन से जोड़ता हूँ, लेकिन मेरे कलीग्स का ऐसा नहीं था। पार्टी के समय ऑफकोर्स ये लोग खाने को सेलिब्रेशन से जोड़ते हैं, लेकिन उसके बाद, जैसे जिम के बाद खाना न्यूट्रिशनल होना चाहिए, वहाँ ये पिज्जा नहीं खाते, दौड़ने के बाद पानी पीते हैं, न कि खोगा खोगा। इसको देखकर फाइनली मुझे समझ में आ गया और मेरा 5वां रक्षा स्तोत्रम का निर्माण हुआ, सेल्फ ऑब्जर्व स्पॉटलाइट। जो भी खा रहे हैं उसे खाते समय डिसाइड करने से बेटर ये रहेगा कि 7 दिनों का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का लिस्ट बना लिए और हर दिन अलग डिश रख दी। साथ ही कौन सी चीज एनर्जी के लिए है और कौन सी सेलिब्रेशन के लिए, वो भी लिख दिया। इसके कारण वो खाना भी ऐड हो गया जो मुझे टेस्टी नहीं लगता, बट सिर्फ शरीर को पोषित करेगा। इन तीनों फिसलन से बचकर मैंने क्रेविंग्स पे फुल काबू पा लिया, लेकिन मेरे एंड गोल तक ये पहुंचाने वाले नहीं थे। उसके लिए देखिए कैसे एक सिंपल चीज ने मुझे मोटापे से हटाकर फिटनेस की ओर धकेल दिया। सी यू नेक्स्ट वन।